और लाठी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट किया, जिसका वीडियो पीड़ित ने बना लिया। मामला हर लाठी थाना क्षेत्र के गंगौर गांव की है, जहां मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक पक्ष से चार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पीड़ित रामप्रीत महतो ने हर लाठी थाना पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल दिए गए आवेदन के अनुसार शुक्रवार की सुबह 7 बजे उनका आरोप है कि मेरा पोता खेलने के लिए गया हुआ था, उसी बीच बच्चा में आपस में झगड़ा हो गया। इसी को लेकर गांव के ही बिंदु महतो, बिकाओ महतो, मकसूदन महतो, अवध महतो सभी लोग मिलकर जान मारने की नियत से लाठी डंडे सर पर प्रहार कर दिया, जिससे मेरा सर फट गया। इसके बाद बेहोश हो गए। तब मुझे बचाने मेरी पत्नी दुलारी देवी, मेरी बहू कविता देवी व अनुष्का कुमारी के साथ भी ये लोग मारपीट किया। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में इलाज करवाया। ने कई सारे आरोप लगाकर पुलिस को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में हरलाखी के थाना जितेंद्र कुमार सहनी ने बताया, पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। मामला है धिया पोता के लिए झगड़ा भी, धिया पोता के लिए झगड़ा भी तो हम अल चोरी में से तो हम कहलिए जो धिया पोता के लिए केला झगड़ा करे है, तो सब मतलब धिया पोता के जगह रहते जो धिया पोता के लिए झगड़ा नहीं, इतने कहते मतलब लागल मारे मारे लागल वो सब की कहे गरासा लड़की आ ग्रासा से हमारा मारल है। कपा के बाद वो बिंदुआ की कल ग्रासा लेके मारा है, कुमड़ी देवी की कल के ऊँचा लेके मारी छल है, अतिक मकसूदन महतो छ बिकाऊ महतो सेहो तलवार अथी ले रहा कत्ता कहते लिया बेटी चोर चारू बगल से घर घेरले छल टाटी फराठी सब तू डाल। अच्छा मारल है के सब मारल है हमारा बिंदु महतो मारल है, कुमड़ी मारल है, मकसूदन महतो मारल है, अवध महतो मारल है, चारों आदमी मिलकर मार लगा। चारों आदमी पांचों आदमी मिलकर आई मामले लगे पुलिस से शिकायत के लिए। हाँ पुलिस से शिकायत के लिए तो हम कल केस कर ले तो वहीं जाके ये सब कहे लगा। अच्छा हाँ पुलिस से मामले में जांच के मांग के लिए कि पुलिस के कह लिए तो 8-10 बजे फोन के लिए पुलिस बारहों पर फोन के लिए नहीं चली कि नहीं। अच्छा पुलिस नहीं अलिए नहीं अलिए पुलिस। अच्छा कितने देर फोन के लिए नहीं अलिए, हमारे बेटो फोन कल के तैयो नहीं पुलिस अलिए, हमारे दोनों बेटा बाहर है। अच्छा हाँ हम तीन गोरा छे, एक पुतौ है, एक अपने छे, एक परिवार है, दू गो पोता पोती है। आप पर नाम बता दो। रामप्रीत महतो हमारा नाम। रामप्रीत महतो। हाँ, रामप्रीत महतो प्रेशर गोनर महतो। बच्चा दोनों बहन भाई बहन में लड़ाई हो तो हमारे पोते कहे के पोती भाई ना तो ना मारते बउआ, हमारे पोती भाई गेल इसकुल में आ ये छोड़े कर बेटी के ने मारे अब जाए छे कि नहीं तो पोता उतर पैना लग भिड़ गिर देह में तो हमारा पोता के मारि दिल्क एक छप्पर आ लाठी लग पैना लग फेंक दिल्क पोखरी में तो यही ला हमारे पुतौह के लिए बोला पकड़ बेटा तो कैला फेंक दिल हुआ धियापुता खातिर हम मारल को हाँ तो हमारा कह कोई बात है तो हमारा कह तो हमारा पोता बेटा कैला मारा लाठी फेंक दिल हुआ हम दवाई बीर तोरा कह दी थी यही बात है आ मतारी अगर अलिए घर घर से तो ये मगगरिया आबे लगलि मगगरिया अब छलिए मरदबो अलिए कन्हा अलिए बिंदुआ तो इो कह गे भोसरी लहास गिरा देबो गे भोसरी लहास लगा कर गिरा देबो गारि बे पाना लाठी कर खड़ा कर देबो गे भोसरी के मारलक हमारा ये क्या नहीं देखलिए कथी से मारलक से नहीं देखो देखलिए गिर पड़लिए नहीं देखो की नाम भेल अहाँके दुलारी दे। अच्छा दुलारिया कहाँ कत इलाज करवेलिए अपन उंगा में इलाज करवेलिए कतु शिकायत के लिए मामला के लोग के पास है वहाँ भाजे है वहाँ कपड़े अब चोट लागल खोबरी उगल है। अच्छा अहाँ की नाम भेल कहलिए नहीं दुलारी देवी जैसे मारलक ओकर सब कथी सब नाम है नाम जानी छे कथी बिंदु है नाम है बिंदु आरो हाँ घर वाली ना है। अच्छा हाँ कुमरी ना है हमारा बच्चा के मरल किए तो हमारे बुआ अलिए बच जेबे तो हम गेलिए तो ओकर बेटी जुआन की छे लोथिया ओ इसकुल पर हम कहलिए जे मारबे कैलक हा तो हमरा कहती हमारा बेटा के लाठी छीने कैला फेंक दिले ओतबे ला ओकर बेटी चट चट हमरा पीटे लगले ताले में ओकर बा मतार अलिए सब हाली हाली मारे लगले ओतबे बात ला मारि भ गेलै छोटका बच्चा के चक्कर में मारि छोटका बच्चा के चक्कर में वही ला मारल के तो हमरा बला उजला सब फाड़ देल किए ओकर बो मरल किए तो। अच्छा हाँ सब ई सब नहीं मार छलक बो हमरा मारि छलक करवेली यहाँ से सरकारी हॉस्पिटल उमगांव में उमगांव में इलाज करवे माय माय के कथी नाम है दुलारी देवी। अच्छा आ के कथी नाम है कभी क्या घटना हुआ है मारपीट करके। अच्छा घर में धुक के
ऐसे न हो के चाहिए तो कोई बलिया है बलिया को मुँह खून कर देते घर में ईंटा पत्थर फेंक के अथी फेंक के मारते कौन बात है से बात के मार लो के घर भैया कौन घर भैया नाम जानी से बिंदु नाम है अच्छा बिंदु है हाँ अकेला अच्छा वे सब मिल के मारल के की नाम भेल अहाँ के हमरा भेल ये है तो हम बजली कि नहीं तो हमरा कह बोल हाँ बीच में तू बाद में सकै छ बीच में तू बाद में सकै हाँ की नाम भेल हमर नाम है राजे दी। आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान हैं। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस अंडा सूखा मेवा गर्म या मादक पेय पदार्थ जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें।